तो हेलो एवरीवन, नया वीडियो नया के साथ। तो कल क्या है ना, तपन का शिफ्टिंग हो रहा है। कल कितना तारीख है बड़ा? कल है 29 जैन। तो कल तपन का शिफ्टिंग हो रहा है एंड 1-2 तारीख को मेरा शिफ्टिंग होगा। तो तैयारी शुरू है। ये बेड तपन के साथ रहेगा तो इसको फोल्ड कर रहे अभी, ताकि कल सुबह को थोड़ा हमें टाइम मिल जाए। एंड उसके नीचे, बेड के नीचे अभी को मिल गया ये वॉकर, सो वो उसमें खेल के एंजॉय। अच्छा है क्योंकि हमारा वाईफाई रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो टीवी नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा अभी 3-4 दिन तो इसको मुन्ना जी के घर पे रहना है दिन भर, रात को हम सोने के लिए शायद यहाँ पे आएंगे, तो इसलिए रिचार्ज नहीं किया है। तो इसलिए ये बोर हो रहा था बहुत, तो अच्छा है वॉकर मिल गया, थोड़ा देर इसमें वो 1-1.5 घंटा रह जाए ताकि हम काम थोड़ा जल्दी कर पाए। क्या कर रहा है अभी? हाँ, ये बुढ़ा अभी इसको वॉकर में बैठा है। इधर हम सब लोग कल शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, इसको पैक कर देंगे कल लेके जाना है। फिर यहाँ पे तपन के लिए सामान रेडी है, वो डब्बा मेरा है, बाकी इधर रेडी है। ये गैस उनके लिए रेडी कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारा सामान है मैंने, आज हम यहाँ पे सोएंगे क्योंकि ये बेड मैं लेके जाऊँगी, तो इसको अभी यहाँ पे ये रूम में सोएंगे हम लोग कल आज से जितने दिन है, बाकी तो वो रूम पूरा पैक्ड हो जाएगा। इतना गंदा नहीं है लेकिन नीचे ना बड़ा। तो दोस्तों हाल कुछ ऐसा है, सारा सामान ऐसा फैला हुआ है। हे राम, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ। कहाँ जाएगा दू? बाय बाय। भोरियानो ओके बदमा सिन्हा कर लो, ठीक है बाय बाय बाय। ओके बाय बाय ओके। अद्विक चला गया है उसके फूफू के घर पे, मतलब मुन्ना दी के घर पे, एंड बहुत खुश है जाने के लिए, एक्साइटेड हो गया। ब्रेकफास्ट उसको कर लिया, हम लोग ने भी नाश्ता कर लिया। अब मैं फटाफट शावर लेके रेडी हो जाऊंगी क्योंकि तपन अभी जब आएंगे तो गाड़ी शायद लेके आ जाएंगे। तो चलिए आज का दिन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड मुझे थोड़ा बहुत चक्कर ही आ रहा है अभी आज से लेके, आज आई थिंक 29 है, 29 से लेके 4-5 तारीख तक मेरा ये शिफ्टिंग चलने वाला है क्योंकि दो घर हम शिफ्ट कर रहे हैं। सो बाकी कुछ कुछ सामान तो छोटे गाड़ी में डाल दिया था अपन ने, तो वही अभी जो गाड़ी लेके आएंगे वो लोग आने से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। तो मिस्टर तपन का सामान यहाँ पे लोड होते हुए छोटा वाला गाड़ी भी पूरा पैक हो गया, यहाँ पे सामान पूरा भरती है। मैंने यहाँ हलती छ बैग में 2 बोतल छ। तो हम भी निकल गए हैं आज के मिशन के लिए अभी फिल ऑफ सामान, अभी का वॉकर मैं यहीं पे छोड़ दूंगी क्योंकि अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर 1-2 साल तक भी काम नहीं आया तो हम किसी को दे देंगे, अगर कोई अपना फैमिली में कोई ऐसा आया तो नौबत किसी का वैसे ज़्यादा दिन का काम नहीं होते वॉकर में, हार्डली 3-4 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, उससे ज़्यादा वो लोग खेलते नहीं हैं। तो वही है, जा रहे हैं। दिन भी थोड़ा सनी है आज ना, गर्मी है ना, थोड़ा अच्छा ही है, काम करने में इतना वो ठंडा नहीं लगेगा। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं तपन के रूम पे। ये एक सिंगल रूम है, मतलब एक सिंगल रूम है, उसमें किचन एंड टॉयलेट बाथरूम अटैच है। कुछ कुछ सामान मैंने लगा भी दिया है, मुझे याद आया फिर से अरे वीडियो नहीं किया, तो एक एक चीज़ काम करते हुए तो वीडियो नहीं ले पाऊँ क्योंकि सामान आ रहा है एंड मैं उसको थोड़ा अपने अपने जगह के आसपास रख रही हूँ। तो फिर भी जितना होता है दिखाती हूँ मैं, थोड़ा सा सेट करने के बाद आपको तपन का रूम भी टूर करा दूँगी। तो यहाँ पर फिटिंग हो रही है।
गॉडरेज मैं अभी सेट करूँगी, ये तो इसके अंदर भी कपड़ा है एंड बाहर में जितने कपड़े हैं इसको मैं यहाँ पे सेट करूँगी। एंड इतना लंबा वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगी, तो मैं इसको ऐसे चुटकी में तो आपको आपको लगेगा कि चुटकी में मिला लिया, तो इसको मैं थोड़ा ठीक करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। एंड अभी तपन गए हैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए, वो बोल रहे थे कि बिरयानी लेके आएंगे लेकिन शायद पता नहीं क्या हुआ, फिर बोल रहे थे कि राइस लेके आएंगे, तो मैंने तो रोटी मंगाई अपने लिए। एंड आँख निकलने वाला है भूख से, सुबह भी हम ब्रेकफास्ट में रोटी खा के आए थे, तो पता नहीं शायद बहुत सामान ऊपर उठाया तो सेकंड फ्लोर में है तो इसलिए थोड़ा भूख की मारी जान जा रही है। तो तपन गए हैं खाना लेने के लिए, तब तक मैं जितना होता है कपड़ा वपड़ा सेट कर देती हूँ ताकि अद्विक को भी शाम को जल्दी मिल पाओ। तो रूम पे पहला खाना, ऐसा खाना खिलाता है बिरयानी से लेने जाएगा बोल के क्या लेके आया है? बिरयानी से अच्छा है गरम गरम चावल, हमको ऐसा बाहर का चावल खुला खुला पसंद नहीं है। तो मिस्टर तपन शर्मा के रूम पे पहना खाना हमारा, लोग साला मीठा बनाते हैं पायस वायस बनाते हैं, हम लोग थोड़ा मासू मासू खा रहे हैं। लेने गए थे बिरयानी, लेके आए चिकन माम, नहीं गरम है भात ना, दाल साल सब गरम है, तो अभी हम एक एक थाल भात खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, बाय। तो खाना हमने खा लिया, कितना बज गया बुढ़ा अभी, चार बजने को है, खाना वाना खा लिया, थोड़ा बहुत तो सेट हो गया है रूम लेकिन और अभी मेन साफ सफाई बाकी है। दिखाती हूँ मैं आपको ढिंकी ढिंकी शर्मा जी फिटिंग हिज गैस न्यू किचन, बहुत क्यूट है, इतना किचन वो वाला करने से मजा था ना, नहीं लगता है? सो यहाँ पे पूजा के लिए ये ग्लास लग गया है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा मंदिर। बहुत ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, पहले मैं सामान जगह जगह पे मतलब इस रैक में सेट कर लेती हूँ, फिर ये सारा पूरा क्लीन करना है, बहुत गंदा है, तो इसको साफ करना पड़ेगा, बाथरूम साफ करने के लिए। वैसे तो मालिक ने कर दिया है कुछ हद तक साफ, लेकिन एक बार अपना हाथ मारना तो बनता है, डोर लॉक बहुत गंदा है, ये सब दरवाजा बहुत गंदा है, तो ये सब साफ करना है। रूम को शिफ्ट करना अपने में ही एक टास्क है, एंड इस बार हम लोग दो दो रूम शिफ्ट कर रहे थे, मतलब एक तपन का रूम एंड एक मेरा रूम शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि मैं गुवाहाटी छोड़ के तेजपुर शिफ्ट हो रही हूँ अद्विक के साथ में, एंड क्योंकि तपन का काम गुवाहाटी में रहता है तो उनके लिए भी एक रूम यहाँ पर रखना है, तो एक रूम शिफ्ट करना ही महाभारत होता है और टाइम को मेरे लिए, इस बार हम दो दो रूम शिफ्ट करे थे तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। लकीली मुन्ना दीदी है तो अद्विक को छोड़ के हम लोग कर पा रहे थे, वैसे बहुत टायर्ड थे क्योंकि रूम ढूंढने से लेके अभी शिफ्टिंग तक का प्रोसेस कंटिन्यू ही चल रहा था। तो ये रूफ टाइल्स क्लीनर है एंड इस वाले स्कॉच ब्राइट से कम तमाम, इसका रिपोर्ट आई विल शो यू आफ्टर। मिस्टर तपन शर्मा किचन इज रेडी, यहाँ सेल्फ रख दिया है, सारा डब्बा यहाँ पे अरेंज कर दिया है, टाइल्स आप देखो कैसे चमक रहे हैं, ओह माय गॉड दिस लुकिंग लाइक अ डायमंड, ये क्यूटी सा पीस यहाँ पे रख दिया है। सी आफ्टर वन एन आवर सो इतना ही है, इधर कुछ डब्बे हैं बेसिक सा, यहाँ पर कुछ कंटेनर है, कढ़ाई है, कुकर उधर है एंड राइस इधर है, तो ऐसे ही है बस छोटा सा सेटअप, एंड ये साइड में ये रैक है, जब जब कुछ कुछ सामान होगा यहाँ पे आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए खाली है। बुढ़ी मन से फिनिशिंग टच दे रहा है, नहा वहाँ के हो गया था तो ऐसे ऐसे अनुराग लेती हुए
ऊपर देखा तो फैन तो गंदा ही था, तो सोचा इतना मेहनत कर लिया तो वाई नॉट ये, तो बॉडी में नहीं गिरा के पकड़ देना है उसको। तो शर्मा जी का एंट्रेंस ये है, इधर है गोदरेज, इधर बाद में आएगा ट्रॉली, और यहाँ है दो विंडो, सीधा घुस गया है बेड। इधर है इनका टेबल जहाँ पे वो काम करेंगे, यहाँ इनका 1947 का फोटो है जिसमें थोड़ा जवान दिख रहे हैं, नहीं अभी वो बिल्कुल ऐसे हो गए, देखो वो पोस्टर का नहीं, वो पोस्टर ना बिफोर एंड आफ्टर, सो एकदम स्पेसियस है। अभी यहाँ पे कपड़ा नहीं है क्योंकि कुछ कपड़ा अभी भी तपन का मेरे घर पे है। यहाँ पे ये है, इधर है पूजा रूम, पूजा हम लोग ने दे दिया, दिया नहीं चला क्योंकि अभी निकल के जा रहे हैं, नीचे कपड़ा है। एंड यहाँ पे है गंगा जल एंड मस्टर्ड ऑयल, नीचे पीछे में है धूप बाती करने का जो भी है एसेंस लोग, तो यहाँ पे पूजा घर है। एंड यहाँ पे डेकोरेशन में देखो प्लांट इन प्लांट, यहाँ पे प्लांट है एक स्नैक प्लांट, अगरबत्ती यहाँ पे रख दिया है सेफ साइड, यहाँ पे मनी प्लांट है, ये रेक भी जब टाइम के साथ नहीं इसका यूज़ आएगा, फिलहाल ऐसे ही है। ऊपर में थोड़ा सा स्टोर का जगह है जहाँ पे तुम्हारे अपने कंपनी का सामान रखा है। किचन का टूर मैंने आपको थोड़ी पहले दिखा दिया था, इस क्या चमक रहा है ना, टाइल्स क्या चमक रहा, डायमंड जैसा कसम से। हाँ मेरा हाथ भी ऐसे ही जल रहा है, धत 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 जल रहा है, तो ये है ना दिल बन गया है। एंड यहाँ पे है छोटा सा एरिया, यहाँ पे 10 बेड एंड 10 बेड है, इधर पे है ये मिरर, मिरर को पेंट करना पड़ेगा, बहुत ही गंदा है, यहाँ पे बल्ब लगाना है, ये पोछा कपड़ा, दिस इज स्पेसिन, दिस इज सूरज, क्यूट है, फ्रेंड खिलौना है। इधर है बाथरूम, स्टोरेज, बस दैट्स इट, बाय बाय रूम, कल मिलेंगे। सो अभी मैं और तपन निकल रहे हैं सीधा मुन्ना दी के घर अद्विक को लेने के लिए। सो ये वाला वीडियो यहीं तक का था, कल अगर कुछ होगा, अगर हम यहाँ वापस आए या फिर कुछ भी अगर ऐसा दिखाने लायक का होगा, मुझे मन हुआ दिखाने को, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो यहीं तक मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपका अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को, मुझे ये बोलने के लिए बहुत शर्म आती है लेकिन मैं बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ढेर सारा प्यार देना, बाय बाय। एंड हाँ, ये ड्रेस मेरी जेठान जी ने मुझे गिफ्ट किया है, वो दिल्ली गई थी तो वहाँ से मेरे लिए एक तोहफा लेके आई है, तो थैंक यू संगीता दी फॉर दिस टॉप, अच्छा है ठंडा के लिए, विंटर के लिए, तो निकलते हैं हम, बाय बाय।